वेलकम टू फिल्म स्लेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीफाई इकोसिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट। डीफाई इकोसिस्टम जो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग रहा है हमारे लिए और बहुत ज्यादा ग्रोथ ईयर रहा है। हमने एक पूरा कोर्स बनाया था क्रिप्टोनाइट जो पूरा का पूरा डेडिकेटेड था जबकि डीफाई की रैली शुरू नहीं हुई थी। तो डीफाई की रैली शुरू होने से पहले ही हम उसके बारे में बात कर रहे थे एंड इट ऑलवेज एक्साइट्स अस बिकॉज डीफाई वॉज बाउंड टू गेट दिस ट्रैक्शन और यही ट्रैक्शन अभी कंटिन्यू है और ये ट्रैक्शन एटलीस्ट इस रैली तक कंटिन्यू रहेगी और हमें मीटरऑटिंग गेन्स देती रहेगी। पर आपको क्या पता है कि इस रैली में डीफाई में हम सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट किसे मानते हैं? डेक्सिस को, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का मतलब क्या है कि आप अपने क्रिप्टो करेंसीज एंड टोकन की कस्टडी किसी और को ना देकर आप अपने ही हार्ड वॉलेट या नॉन कस्टोडियल वॉलेट में रख के उसे ट्रेड कर सके, यानी कि आपको अपने ट्रेड करने के लिए अपने टोकन्स की कस्टडी या प्राइवेट कीज किसी के साथ कभी ना शेयर करनी पड़े। क्या यही सपना नहीं था सतोशी का? क्या यही बेसिक फंडामेंटल नहीं है क्रिप्टो इकोसिस्टम का? तो इसीलिए डीफाई को सबसे ज्यादा एंगेजमेंट मिली और सबसे ज्यादा उसे जो है ग्रोथ भी मिली। हमने जहां पर हमने सुशी साहब जैसे कॉइन्स को बढ़ते हुए देखा, वहीं पर कुछ लेजिट काम करने वाले और बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी है हमने यूनिसेप में। यूनिसेप आज टॉप 10 कॉइन्स के अंदर है जो कि एक अगेन एक डेक्स। वहीं पर एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉइन रहा है डेक्सिस में जिसने ये पूरा नैरेटिव शुरू किया था वो था बैंकॉर। बैंकॉर ने डेक्सिस का यानी यहाँ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का जो पूरा मॉडल था वो 2017 की रैली में ही प्रोजेक्ट कर लिया। इसीलिए शायद इन्वेस्टर्स ने उन्हें इतना ज्यादा वैल्यू किया और उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सिर्फ 3 घंटे के अंदर $153 मिलियन की फंडिंग रेज कर। तो ये अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ICOs बन गया ऑफ ऑल टाइम। सो कौन सा प्रोजेक्ट था ये प्रोजेक्ट था बैंकॉर जो अपने आप में एक डेक्स थी। इस डेक्स ने ये प्रपोज करा कि हम लोग किस तरह से अपने डिसेंट्रलाइज्ड वे में जो कॉइन्स की है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। सो इस कॉइन को बहुत ज्यादा ट्रैक्शन मिली और 2017 की रैली में इसने ऑल टाइम हाई अपना $10 के आसपास सेटअप किया। बट सिंस US रेगुलेटरी के कारण और बियर मार्केट कारण जैसे कि सब कॉइन्स गिरे, बैंकॉर भी गिरा। थोड़े रेगुलेशन कंसर्न्स के कारण बैंकॉर $10 से गिर के 11 सेंट्स तक आ गया। पर वहां से दोबारा जब डीफाई इकोसिस्टम ने दोबारा रेज करना शुरू किया और बढ़ना शुरू किया तब से अब तक जो है बैंकॉर दोबारा $7.5 के आसपास मूव कर रहा है विच इज लाइक 75x ग्रोथ, नॉट बैड। तो अगर आप इस ग्रोथ की बात करेंगे तो ये ग्रोथ बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक रही है और बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ रही है। बैंकॉर के पीछे जो टीम है बहुत रिलायबल है और इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट बनाया है। वहीं पर जो इसके इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इस डीफाई इकोसिस्टम का पोटेंशियल 2017 में ही देख लिया था तो दैट मीन इट्स बैक्ड बाय वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स इन द इकोसिस्टम। वहीं पर अगर आप देखेंगे कि बैंकॉर ने अभी तक अपना ऑल टाइम हाई भी क्रॉस नहीं किया है $10 का, जहां पर जो प्रोजेक्ट्स हैं जो जितने हमारी और क्रिप्टो करेंसीज हैं वो न्यू ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बना रही है। वहीं पर अगर हम देखें पैनकेक स्वैप जैसे जो डेक्सिस हैं उनको बहुत ज्यादा ट्रैक्शन मिल रही है, यूनिस्वैप टॉप 10 में है। तो डेक्सिस पर इन्वेस्ट करना या एक अलग से पोर्टफोलियो बनाना सिर्फ डेक्सिस के कॉइन्स के लिए वो काफी ज्यादा बड़ा बढ़िया हो सकता है। BNT टोकन इस पोर्टफोलियो में होने से आपको काफी बेनिफिट मिल सकता है। अगर हम इसके USPs की बात करें तो जो सबसे बड़ी डेक्सिस प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है कि उनकी जो लिक्विडिटी पूल है वो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज होते हैं बिकॉज ये पूल्स जनरली जो बड़े बड़े मार्केट मेकर्स हैं उनके द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं, जिस वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत छोटा हिस्सा मिलता है ट्रेड वॉल्यूम का भी और ट्रेडिंग फीस का भी। वहीं पर बैंकॉर की जो ट्रेडिंग फी है, जो लिक्विडिटी पूल्स हैं वो बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है और उस पर स्टेक करना काफी ज्यादा ईजी। यहां पर बैंकॉर, जहां पर यूनिस्वैप जैसे प्रोटोकॉल्स सिर्फ एक सिंगल चेन यानी कि इथेरियम में ही इंटरैक्ट करते हैं, बैंकॉर क्रॉस चेन लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करता है और आप क्रॉस चेन जितने भी अपने स्वैप्स हैं वो भी कर सकते हैं, यानी कि आप उसमें ERC20 टोकन्स और EOS के टोकन्स को भी आपस में स्वैप कर सकते हैं विच मेक्स इट मोर ग्रेट एंड मोर डायनामिक इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्रॉस चेन का फीचर भी आ गया। इसके साथ साथ आपके पास और भी काफी सारे फीचर हैं जैसे कि अनलाइक अदर डेक्सिस आप यहाँ पर लिमिट ऑर्डर्स लगा सकते हैं, इनकी लिक्विडिटी पूल जैसे मैंने ऑलरेडी बताया काफी डिसेंट्रलाइज्ड है। साथ ही साथ अगर आप अपने टोकन इन पर स्टेक करते हैं तो आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं, यानी कि
यहां पर आपके पास दो इनकम सोर्स है एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर, एक तो ट्रेडिंग फीस तो है ही है, उसके साथ साथ आप अपने टोकन को स्टेक करके स्टेकिंग रिवॉर्ड्स भी कमा सकते हैं। इनका जो मैकेनिज्म है ऑटोमेटेड मार्केट मेकिंग का वो काफी ज्यादा एनहांस है और वो मल्टीपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बना हुआ है, जिसके चलते ये काफी सारे सिंथेटिक टोकन ड्यूरिंग द जर्नी मिंट कर सकते हैं एंड बर्न कर सकते हैं टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म काफी टाइम से स्टेबल रहा है एंड इसकी ग्रोथ काफी ज्यादा एविडेंट रही है डीफाई को। बट अगर आप मेरी माने तो ये अभी 83rd नंबर का कॉइन है एंड इसके पास काफी रूम है ग्रोथ के लिए और काफी ज्यादा इसमें हम प्राइस इंक्रीज देख सकते हैं इन शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए इसके फंडामेंटल्स अगर इसी तरह से चलते रहे और इसी तरह से इसके ऊपर टेक्निकल एनहांसमेंट्स होती रही तो ये एक अच्छी बेट हो सकती है। बट अगेन वी नीड टू ट्रैक इट एंड दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि हम जब भी कोई नया कॉन्टेंट लेकर आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपके पास कोई भी और क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम बैंकॉर के ऊपर और कंटेंट बनाएंगे ताकि आप इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से समझ सकें। और साथ ही साथ अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कैच कर सकते हैं। और अगर आप क्रिप्टो के बारे में इन डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारा एक जो कोर्स सीरीज है वो आप देख सकते हैं जिसपे हमने क्रिप्टो नाइट और क्रिप्टो नेक्स्ट जैसे कोर्सेज बनाए हैं जिसपे हम डिटेल में जो स्टॉक ट्रेडिंग है या इन्वेस्टिंग है उसके प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो यू कैन चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट दैट इज finstrate.in। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।